हे गाइस, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आई एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को कौटिल्य का वीडियो पसंद आया बहुत और काफ़ी क्वेरीज आ रही थी मेरे को कौटिल्य के रिगार्डिंग कि आपने कैसे बुक किया, कौन सी वेबसाइट से बुक किया, आपको क्या प्राइस पड़ा, टोटल पैकेज कितने का है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं रूम की, आप लोग क्या एक्सकर्शन कर सकते हैं, आप लोग क्या ऑन डेक एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वेरीज आई, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे बुक किया और कितने कौन से कैटेगरी के रूम होते हैं, फिर शोर एक्सकर्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, आप कब बुक कर सकते हैं, आपको कब बोर्ड करना है, अगर 8 बजे की शिप है तो आप कब बोर्ड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। सो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए एंड तक, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करिए, नीचे आईडी आ रहा होगा। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है कौटिल्य की तो आप लोग ज़रूर देखिए, यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। सो गाइज, सबसे पहले आता है कि कौन सी वेबसाइट से मैंने बुक किया। तो मैंने कौटिल्य क्रूजेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, इससे बुक किया है। तो आप लोग भी इसी से ही बुक करिए, आप लोग किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक मत करिए क्योंकि वो लोग फालतू कमीशन लेंगे, आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू बुक करिए। सो एक और क्वेरी मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछी कि फैमिली और कपल के लिए क्या क्या पैकेजेस हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से कैटेगरी के रूम चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन लोगों के पास है इंटीरियर रूम, फिर उसके बाद आता है ओशन व्यू, फिर आता है मिनी स्वीट, फिर आता है स्वीट, फिर उसके बाद आता है चेयरमैन स्वीट। तो 5 कैटेगरी के रूम हैं इन लोगों के पास। ओशन व्यू लिया है। सो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को मेरा रूम टूर कराता हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग इस रूम के बारे में, जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका व्यू है, मैं आप लोगों को सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ। इस व्यू का एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो अगर आप लोग अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है तो ये रूम ज़रूर लीजिए, स्टैंडर्ड मत लीजिए क्योंकि वो पूरा पैक्ड रहता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये व्यू जो है ये अमेजिंग होने वाला है, हम लोग आगे पूरा ब्लू वाटर्स देखने वाले हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेलीविज़न है, फिर यहाँ पर देखिए आप क्लोज़ेट है, काफ़ी सारे हैंगर्स दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, लॉकर भी है, फिर यहाँ पर भी हैंगर्स हैं, यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से इन लोगों ने कॉम्पैक्ट फुली डिज़ाइन किया है। यहाँ पर लाइव जैकेट है। फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम। सबसे अच्छा लगा मुझे वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है मगर सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर एक मिरर दिया है बहुत अच्छा, यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग सकते हैं, यहाँ पर पॉट है। यहाँ पर सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है, वो कितना इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कितना नहीं है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है, आपको टिश्यू है, यहाँ पर छोटा सा शॉवर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी अम्यूनिटीज़ हैं बाकी। और ये ओशन व्यू है, तो ओशन व्यू में भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड होता है, एक मेड होता है, एक प्रीमियर होता है। तो हम लोगों ने ओशन व्यू प्रीमियर लिया, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है, मैं आप लोगों को आगे आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा, तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। बाकी यहाँ पर ड्रॉर्स दिए हुए हैं, तो आप लोग अपना सामान, अपना जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ड्रायर भी दिया हुआ है, हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ड्रायर मिलेगा, तो अगर आप लोग ड्रायर यूज़ करते हैं तो आप लोग मत आइए। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, यहाँ पर आप बैठ के आपका जो भी करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर एसी का कंट्रोल है, यहाँ पर स्विचेस हैं, यहाँ पर एक्चुअली इंटरनेशनल चार्जर है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग इस शिप में आ रहे हैं तो एक इंटरनेशनल चार्जर ज़रूर लेके आइए। मैं जो लेके आया हूँ मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोगों को वो लेना है तो वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी ड्रॉअर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ड्रॉअर्स दिए हुए हैं आप देखिए। और अगर आप लोगों के ट्रॉली बैग बड़े बड़े हैं तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें भी पहले लगा था कि रूम बहुत छोटा है कहाँ पर रखेंगे। तो आप लोग ये बैठ के नीचे, यहाँ पर आप बैठ के नीचे ट्रॉली बैग रख सकते हैं, और इतना भी छोटा रूम नहीं है जितना लग रहा था। यहाँ पर आप लोग आपका बैग रख सकते हैं, देखिए हमारे मीडियम साइज़ के बैग हैं तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने रख दी। जब ये दोनों बेड अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जब शिप सेल होना स्टार्ट होगा 8 बजे तब वो लोग ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आप लोगों को डबल बेड चाहिए कंबाइंड वाला तो वो स्वीट से ही स्टार्ट होता है, आपको स्टैंडर्ड ओशन व्यू में नहीं मिलता है। आपका वहाँ पर लैंप दिया हुआ है दोनों साइड, अगर आप लोगों को पढ़ना है रेडी लैंप भी दिया हुआ है।
अभी अगर, हाँ अभी मेन इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग चार लोग आ रहे हैं तो भी एक रूम में आप लोग फिट हो सकते हैं। ये जो आप बेड देख रहे हैं, ये बेड जो है ये खुल जाता है, दोनों साइड बेड हैं। तो जैसे एक ट्रेन में एसी क्लास होता है वैसी अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही अगर आप लोग चार लोग आ रहे हैं तो। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है शिप में। अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि लंच में क्या क्या है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि अगर आप लोगों का शिप रात को 8 बजे है तो आप एटलीस्ट 5-6 घंटे पहले बोट करिए, जल्दी आ जाइए क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो गाइज ऐसा एक एक्टिविटी ब्रोशर मिलेगा आपको डेली बेसिस पे, और इसमें सारी डिटेल्स रहती हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे की, क्या क्या शिप में चल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। सो आप लोग इस शीट को रिफ़र कर सकते हैं। मैं अभी करेंटली आपको ये जो भी डिटेल बताऊंगा वो मुंबई लक्षद्वीप मुंबई के बारे में बताऊंगा, जो 4 डेज हम लोगों ने ट्रैवल किया था। बाकी बात रही फैमिली की, तो अगर आप लोग चिल्ड्रेन हैं इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 12 साल तक का बच्चा इस सेल्स फॉर फ्री, ऐसा बोलते हैं ये लोग, मगर सेल्स फॉर फ्री का मतलब पूरा कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। जो आपका रूम का रेंट होता है वो फ्री रहता है, बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो सब आप लोगों को देने पड़ते हैं। आप लोगों को ये लिस्ट में दिख रहा होगा कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई लक्षद्वीप मुंबई, 4 दिन वाला मैं बता रहा हूँ। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शोर एक्सकर्शन कैसे बुक किया जाता है। कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे आप लोग बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने तो डायरेक्ट कस्टमर केयर पे फ़ोन करके ही बुक किया था। आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कस्टमर केयर को मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से एक्सकर्शन है, फिर आप लोग उसमें से चूज़ करेंगे तो फिर वो आप लोगों को पेमेंट लिंक भेजेंगे और उस हिसाब से आप एक्सकर्शन बुक कर सकते हो। बाकी आप लोग जब आप बुक करते हैं डायरेक्ट थ्रू वेबसाइट या एप्लीकेशन से, तो वहाँ से भी आप लोग एप्लीकेशन से भी बुक कर सकते हैं शोर एक्सकर्शन। मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले बुक करना चाहिए श्योर एक्सकर्शन, क्योंकि वहाँ पर जाके यू नेवर नो कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो कि नहीं हो या आपको क्यू में ज़्यादा लगना पड़े, सो यू नेवर नो। तो अगर आप लोग श्योर हैं कि आपको एक्सकर्शन करना है तो आप लोग पहले से ही बुक कर लें, वो बेटर रहेगा। बस आप लोगों को वहाँ जाके एक रिसीप्ट लेना पड़ता है और आपके आपको एक स्टिकर मिलेगा, वो आपकी टी शर्ट शर्ट या जो भी है उसमें लगाना पड़ता है, तो बस वही प्रोसेस बचता है वहाँ जाके, तो बेटर ऑप्शन यही है। सो गाइज अगर आप लोगों को रूम सेलेक्ट करना है तो आप लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें और आपको कौन सा रूम लेना चाहिए, ये भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। तो अगर आप लोग बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंटीरियर रूम लीजिए, थोड़ा और ज़्यादा एफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग उसको अपग्रेड कराइए, उसको ओशन व्यू लीजिए अगर वो लोग वो ऑफर में चल रहा हो तो। बाकी अगर आप लोग मिनी स्वीट स्वीट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ओशन व्यू के बारे में, हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दिया था एक्चुअली, हम लोगों ने ऑब्स्ट्रैक्ट व्यू लिया था, मतलब वहाँ पर टेंडर बोट लगी रहती हैं जो शिप के साइड में, उसका व्यू थोड़ा सा आ रहा था हम लोगों को। तो आप लोग कोशिश करें अगर आप लोग ओशन व्यू ले रहे हैं तो आप लोग वो वाला व्यू ना लें। मैं यहाँ पर एक लेआउट आ रहा होगा स्क्रीन पे, सो यही आप रूम में से सिलेक्ट करो, क्योंकि इस साइड वाला जो पोर्शन है अगर शिप ऐसे फ्लो कर रही है तो राइट हैंड साइड पे अगर आप लोग हैं तो वो वाला पूरा ऑब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पर पूरे टेंडर बोट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे टेंडर बोट्स नहीं है। तो कोशिश करो कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लो, आप कस्टमर केयर से बात करो, वो लोग आपको करके देंगे बुक। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि कितना अपन को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग। सो आप लोग 25% पे कर सकते हैं जब आप बुक कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कब बुक कर रहे हो। आप अगर 3 महीने पहले बुक कर रहे हो तो आप लोग 25% दे दो, और 75% सेलिंग से 1 महीने पहले आप लोगों को देना पड़ता है। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस है बुकिंग का। तो नेक्स्ट क्वेरी ये है कि आप टर्मिनल कैसे पहुंचें। तो अगर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप लोग बॉम्बे बेस्ड नहीं है तो, और अगर आप लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के लिए, वो फोर्ट में है। और अगर आप लोग स्टेशन पे आ रहे हैं तो, अगर आप CST आ रहे हैं तो वहाँ से बहुत पास है, 10 से 15 मिनट लगता है वहीं पर फोर्ट पे। मैं यहाँ पर नीचे आ रहा होगा एड्रेस। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि शिप टाइमिंग से कितने पहले आप लोगों को पहुँचना है वहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हमारी शिप जो थी वो 8 बजे का डिसएम्बार्कमेंट था, तो हम लोगों को बोला गया था कि आप 3-4 बजे आ जाओ। तो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में। तो अगर आप लोग 12-1 बजे भी शिप बोर्ड करते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, स्टार्ट हो जाता है 12 बजे से शिप बोर्डिंग, वहीं पर आप लंच भी कर सकते हो। अगर आप लोग लंच करके नहीं आ रहे हो तो 2-3 बजे आप लंच शिप पे ही कर सकते हो, उसके बाद आप बाकी चीज़ें इन्जॉय कर सकते हो। 4 बजे जो हाई टी होती है वो भी लग जाती है,
तो सारी चीजें स्मूथ होती हैं। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले आप लोग शिप बोर्ड कर लो। उससे क्या होगा कि आप लोग सारी चीजें प्रॉपर जमा दोगे रूम में और आप शिप का टूर कर सकते हो, सारी चीजें प्रॉपर हो सकती हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वी कैरी, ये भी एक क्वेरी आया है मेरे पास। तो आप लोग आधार कार्ड अपना कैरी कर सकते हैं, आप लोग कोई भी आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो टिकट है, जो बोर्डिंग पास होता है जो आपको ऑनलाइन मिलता है, जब आप बुक करते हैं तब आपको स्लिप मिलता है, तो वो आप अपने साथ कैरी करिए। आप उसके साथ आईडी प्रूफ कैरी करिए, एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें आप सारी चीजें कैरी कर सकते हैं। आईडी प्रूफ और जो टिकट है वो मेन थिंग है कैरी करने के लिए, वो आप जरूर कैरी करिए। एक क्वेरी ये भी आया है कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगा अदर देन जो हमने बुकिंग का पैसा दिया। सो काफी शोज है वहां पर जो पेड है, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले तो बर्लेस्की शो है वो $10 प्लस टैक्सेस है, फिर उसके बाद ब्रिज टूर है वो $20 प्लस टैक्सेस है, फिर उसके बाद मैजिशियन शो है वो भी $10 का है, कुछ बच्चों का शो है वो भी $10 का है। तो ऐसे शोज हैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों को ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, मगर मैं आपको बोलूंगा कि ब्रिज टूर आप लोग जरूर लीजिए क्योंकि पूरा वर्थ इट है। और एक और चीज, अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने प्रीमियर बुक किया था तो हम लोगों को 1+1 फ्री था, तो मगर 1+1 में भी एक क्राइटेरिया होता है कि अंडर $7 आपको ऑर्डर करना रहता है, $7 से ऊपर वो लोग ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करते, ये रहता है। और कार्ड सिस्टम रहता है, बेसिकली आपको एक कार्ड दिया जाता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें आप लोगों को फिल करना पड़ता है पैसा और वहां पर आप लोगों को स्वैप कराना पड़ता है। तो कैश इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर ऑन द शिप, और जो भी चीजें हैं वो डॉलर में ही बात होती है वहां पर, सो अमेरिकन डॉलर से ही वो कन्वर्ट करते हैं। आप लोग इंटरनेट भी ले सकते हैं, इंटरनेट का हम लोगों ने तो नहीं लिया मगर कुछ $5.5-$6 था फॉर 200 MB। सो गाइज, मेरे को ये भी बहुत क्वेरी आई है कि आप लोगों ने कौन सा एक्सकर्जन बुक किया था और कितने बुक किया था। तो 3 टाइप के एक्सकर्जन होते हैं, हम लोगों ने सेकेंड वाला बुक किया था, उसमें 4 एक्सकर्जन रहते हैं, उसमें से 2 चूज करना पड़ता है। सो कौन कौन से एक्सकर्जन रहते हैं, कायाकिंग रहता है, एक स्नॉर्कलिंग रहता है, एक ग्लास वाटर बोट रहता है और एक बनाना राइड रहता है। तो इसमें से आप लोग कोई भी 2 बुक कर सकते हैं। और वहां पर फोक डांस रहता है तो वो तो सारे लोगों के लिए फ्री रहता है। सो अगर जो आप पहला वाला पैकेज लेते हैं 18.88 का, उसमें आप लोगों को लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे, सो उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता। जो तीसरा पैकेज है वो $133.34 का होता है, तो उसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज रहती है, उसमें स्कूबा डाइविंग रहता है, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ स्कूबा करिए क्योंकि बहुत डीप नहीं लेके जाते हैं ये लोग, बिल्कुल पास से कराते हैं ये लोग, सिर्फ 6 से 8 मीटर पे ही स्कूबा कराते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर आप स्कूबा करिए। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी कोई क्वेरी हो इसके अलावा तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।